उत्तराखंड में मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना का शुभारंभ हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में इस योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान मुख्यमंत्री ने महिलाओं द्वारा लगाई गई सभी स्टॉलों का निरीक्षण कर उत्पादों के बारे में जानकारी ली। कार्यक्रम में उपस्थित तमाम महिलाओं ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को राखी भी बांधी। वहीं रक्षाबंधन के अवसर पर शुरू हुई मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना मुख्यमंत्री धामी की ओर से प्रदेश की सभी बहनों के लिए उपहार के तौर पर देखा जा रहा है। बता दें कि इस योजना के माध्यम से राज्य की महिलाओं को लाभ मिलेगा जो महिलाएं विभिन्न उत्पादों का निर्माण करती हैं। मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना के तहत राज्य में कार्यरत तमाम महिला समूह द्वारा निर्मित उत्पादों को व्यापक बाजार उपलब्ध कराया जाएगा, जहां जाकर महिलाएं आसानी से अपने उत्पादों की बिक्री कर सकेंगी। इस योजना के माध्यम से महिला समूह को अपने उत्पादों को बेचने के लिए किसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा और ये योजना राज्य की महिला समूह को निर्मित उत्पादों की बिक्री के लिए एक व्यापक बाजार उपलब्ध कर उन्हें सशक्त और आत्मनिर्भर बनाएगी। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हमारे राज्य में मातृशक्ति का बहुत बड़ा योगदान हमेशा से रहा है और मातृशक्ति लगातार उद्यम करती है, लगातार परिश्रम करती है, बहुत सारे नवाचार करती है और बहुत सारे हमारे स्वयं सहायता समूह हैं हमारी बहनों के, मातृशक्ति के, जो बहुत सारे उत्पाद बनाते हैं। उसमें घरेलू उत्पाद भी हैं, बच्चों के उत्पाद भी हैं, अचार से लेकर सिलाई बुनाई और रक्षाबंधन जैसे पर्व आ रहा है तो उस रक्षाबंधन पर्वों में भी जो उनके द्वारा राखियाँ बनाई गई हैं, अन्य सामान बनाए गए हैं, बहुत ही उच्च दर्जे के हैं और उनको एक कोई प्लेटफॉर्म मिलना चाहिए, एक कोई स्थान मिलना चाहिए जहाँ पर उनके इन उत्पादों को ठीक प्रकार से उसको बाजार मिल पाए, उसका विपणन हो पाए। उसके लिए मुख्यमंत्री सशक्त बहना उत्सव योजना प्रारंभ की जा रही है। इस योजना के माध्यम से सभी बहनें जो उद्यम करती हैं, अपना उद्योग चलाती हैं या स्वयं सहायता समूह में बहुत सारा निर्माण करती हैं तो उनको एक अच्छा स्थान मिलेगा, उनके बनने वाले सामान का उचित मूल्य मिल पाएगा, बाजार मिल पाएगा। और मुझे खुशी है कि जब भी मैं उनके किसी भी कार्यक्रम में जाता हूँ, उनके उत्पादों को देखता हूँ तो उनके उत्पाद किसी मल्टीनेशनल कंपनियों से कम नहीं है जो हमारी बहनों के द्वारा अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से बनाए हैं।